सोनिया किचन। आज मैं आपको एक इतनी बढ़िया चीज सिखाने वाली हूँ जो आपने ना कभी सुनी होगी ना कभी बनाई होगी। वो है हमारा बेसन का अंडे वाला हलवा, या उसको आप नाम दे सकते हो कि बेसन एंड एग पुडिंग। वो तब बनाना जब आपके गेस्ट खाना खा चुके हों, हाथ धोने लगे, उस टाइम पे आप बनाइए। 2 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा और एवरीबडी विल रिलिश दैट सो नाइसली एंड दे विल अप्रिशिएट। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, हमने इंग्रेडिएंट्स सब तैयार करके रखे हुए हैं। बेसन, घी, शुगर, दूध, अंडे और ड्राई फ्रूट। एक बाउल है जिसमें हमने सब कुछ मिक्स करना है। यहाँ हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है गरम करने के लिए। अब हम इसमें डाल देते हैं घी, जो हमने नाप के आपके सामने रखा हुआ है, ये डाल दिया हमने इसमें घी। ठीक है, घी जरा सा मेल्ट होता है तो इसमें हम डाल देंगे अपना बेसन। ये देखिए, हमारा घी मेल्ट हो गया है, इसमें हम डाल रहे हैं बेसन। जब तक ये हमारा बेसन लाल हो रहा है, हम अपने बाउल में वो बाकी के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे ये मैंने लिया बाउल, इसमें मैंने डाला दूध, आधा कप दूध, 1 कप शुगर। ठीक है, अब हम इसमें तोड़ेंगे 4 अंडे। 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने इसमें दूध, अंडे और शुगर को इकट्ठा मिक्स करके रख लिया है। इसमें तीनों चीजें हैं, शक्कर भी है, दूध भी है, अंडे भी हैं। इसको हमने लाइटली बीट करके रख लिया है। और यहाँ हम अपना बेसन देखते हैं लाल करने के लिए। ये देखिए, हमारा बेसन कितना सुंदर गोल्डन रेड कलर दे रहा है, हमारा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको हम और ज़्यादा काला ना करते हुए ये बीट करा हुआ सामान इसके अंदर हम फटाफट से डाल देते हैं। इसको डाल के विग्रेसली बीट करना है ताकि अंडे के लम्स ना बने। ये देखिए, कितना बढ़िया हलवा हमारा तैयार हो गया है बिल्कुल से। ना इसमें आपको अंडे के लम्स दिखेंगे, ना ही अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी अंडे की फ्रेग्रेंस नहीं आएगी। यू कैन नॉट मेक आउट व्हाट इज इनसाइड। नाउ लेट अस कीप इट टू सर्व। ये देखिए, इसको हम इसको गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट के साथ। ये बादाम, काजू और ये रही थोड़ी सी हमारी किशमिश। इसको ठंडा करके नहीं खाइएगा क्योंकि इसका टेस्ट मज़ा ही नहीं आएगा। ये गरम गरम सर्व करेंगे। आइए अपने बेसन के हलवे या बेसन की पुडिंग को हम टेस्ट करते हैं। वाव, इट्स अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यू ऑल्सो मेक एंड एंजॉय।